नगर निगम को शहर की राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। गली मोहल्लों के तमाम छोटे बड़े नेता यहीं से राजनीति सीखकर सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जैसे बड़े पदों पर विराजमान हुए हैं। यूपी के मेरठ जिले के सपा विधायक रफीक अंसारी ऐसे ही नेताओं में शुमार है। विधायक रफीक अंसारी यूपी के उस शहर से आते हैं जहाँ कई ऐतिहासिक धरोहर आज भी मौजूद है। पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ मेरठ का टाउन हॉल, प्राचीन इमारतें आज भी मेरठ की रौनक में चार चांद लगा रही हैं। मेरठ शहर के मशहूर घंटाघर में लोग आज भी आपको गुनगुनाते हुए मिल जाएंगे। घंटाघर की चार घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी, जब जब घंटा बोलता है खड़ा मुसाफिर हंसता है, ये लाइनें आज भी आपको लोग गुनगुनाते हुए मिलेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मेरठ शहर के विधायक रफीक अंसारी के बारे में, जो नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के समय से सपा में अपना पेट मनवाए हुए हैं, यानी कि उनका दबदबा समाजवादी पार्टी में मजबूती से बोलता है। रफीक अंसारी का जन्म 11 नवंबर 1962 को मेरठ शहर में हुआ था। आठवीं पास रफीक अंसारी ने 1995 में पहली बार नगर निकाय का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पहली बार पार्षद बने। यहीं से रफीक के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। रफीक अंसारी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने रफीक को मेरठ शहर से मैदान में उतारा था, पर बीजेपी के लक्ष्मीकांत की वजह से रफीक अंसारी को यहां हार का मुंह देखना पड़ा। 2017 में एक बार फिर रफीक अंसारी पर सपा ने दाव लगाया और रफीक ने भी सारी कसर निकालते हुए बीजेपी की प्रचंड आंधी के बीच से मेरठ शहर विधानसभा सीट पर अपना कब्जा किया। इस वक्त तक रफीक सपा में अपना रसूख और भी मजबूत कर चुके थे। रफीक अंसारी राजनीति में अपनी बढ़त बनाने लगे। सपा की हर छोटी बड़ी रैली, जनसंवाद में रफीक अंसारी पूरे जोश में देखे जाते, पर अपने विवादित बयानों की वजह से रफीक अंसारी को काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो उससे पहले रफीक अंसारी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रफीक अंसारी किसी विशेष समुदाय को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे थे। इस बयान की वजह से रफीक अंसारी पर मेरठ में FIR भी दर्ज हुई। 2022 में समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को मोबाइल पर धमकी मिलने का मामला भी सामने आया। ये धमकी उन्हें कॉल पर दी गई थी। फिलहाल ये धमकी उन्हें किसने दी थी इस बात का पता नहीं चल पाया, जिसकी अंसारी ने शिकायत भी की। मेरठ शहर से दोबारा विधायक बनने के बाद मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में रफीक अंसारी को लोगों का गुस्सा भी झेलना पड़ा। लोगों ने रफीक अंसारी के लापता होने के पोस्टर अपने क्षेत्र में लगवाए। लोगों का कहना था कि उन्हें मजबूर होकर पोस्टर लगाने पड़े हैं। जनप्रतिनिधि और नगर निगम अधिकारी उनकी समस्याएं नहीं सुनते। इस साल सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं में एक शोक की लहर थी। मेरठ शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी भी नेताजी के काफी वफादार रहे हैं। नेताजी को याद करते हुए रफीक अंसारी ने भी अपने सियासी सफर की एक याद शेयर की। एक सभा के दौरान नेताजी ने उनके कंधे पर हाथ मारा और कहा कि सब देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। रफीक अंसारी कहते हैं कि उनके कंधे पर वो हाथ क्या पड़ा, चुनाव में वो जीत कर विधायक बन गए। वो कहते हैं कि माना जाता है मुलायम सिंह ने जिसके कंधे पर हाथ रख दिया वो राजनीतिक रूप से सफल हो गया। रफीक अंसारी ये भी बताते हैं कि रफीक अंसारी के हारने के बाद भी एक टाइम पर उनको एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई थी समाजवादी पार्टी के अंदर। उनका कहना है कि मुलायम सिंह हारे का सहारा थे, राजनीति में अपनी पकड़ को लेकर वो नेताजी की अहम भूमिका मानते हैं। मेरठ शहर विधानसभा सीट से जब रफीक चुनाव हार गए थे तब भी उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिलहाल रफीक मेरठ शहर से अपनी विधायकी संभाल रहे हैं। आने वाले समय में सपा के लिए रफीक एक मजबूत पिलर की तरह देखे जा रहे हैं। वहीं खबरों के मुताबिक रफीक अंसारी की संपत्ति 1 करोड़ से ज्यादा है। अंसारी के पिता यासीन अंसारी हैं। अंसारी की शादी खुशीदा से हुई है और उनका एक बेटा और 6 बेटियां हैं। न्यूज डेस्क, पॉलिटिशियंस इंडिया।